हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैंडी के मेरा। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वास्कोगास टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट कब यूज़ की जाती है, इसके यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी डोज और इसकी प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों जो वास्कोगास टैबलेट है ये सनोफी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं जिसका प्राइस 32 रुपीस है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें हायोसिन विटिलुब्रामाइन 10 mg पाया जाता है। अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। ये टैबलेट कब यूज़ की जाती है, जो वास्कोगास टैबलेट है ये एंटी स्पाजमोडिक मेडिसन है। ये मेडिसन हमारे पेट में और इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें जब मसल स्पाम्स और क्रैम्स होने लगते हैं और कंट्रैक्शंस होने लगती है तो पेशेंट को बहुत दर्द होता है पेट में, और जिसके वजह से ये मेडिसन मसल्स को रिलैक्स करती है। और ये टैबलेट जब हमारे ब्लैडर में और यूरेथ्रा में भी मसल स्पाम्स हो जाता है तो उसको भी ये ठीक करती है। ब्लैडर मीनिंग जहाँ पर हमारा यूरिन है वो एक जगह इकट्ठा होता है, और यूरेथ्रा मीनिंग जहाँ से हमारा यूरिन है जो बाहर निकलता है। और ये टैबलेट ब्लॉटिंग में भी दी जाती है पेशेंट को, मीनिंग जब पेशेंट का पेट फूला फूला फील होता है तो तब उसको पेन होती है, तब ये ले सकता है। और महिलाओं में जो पीरियड्स के टाइम भी ये टैबलेट दी जाती है, बिकॉज पीरियड्स के टाइम उनको मसल स्पाम्स और क्रैम्स वगैरह होते हैं तो तब ये मेडिसिन वो ले सकती हैं। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसमें क्या होता है, को व्यक्ति के जो पेट में सूजन होने लगती है, गैस और गैस बनने लगती है, कब्ज होने लगता है और डायरिया होने लगता है, जिसकी वजह से उसको पेन वगैरह होती है तो तब उस पेन को दूर करने के लिए ये टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और ये टैबलेट यूरिनरी ट्रैक्ट में जब दर्द होता है तब भी ली जाती है। अगर पेशेंट के पेट में पथरी वगैरह हो, मीनिंग स्टोन वगैरह हो, बिकॉज स्टोन की वजह से भी उसको दर्द होता है तो उस कंडीशन में भी ये डॉक्टर द्वारा मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की जाती है, मीनिंग ये टैबलेट पेट के संबंधी किसी तरह के दर्द में ये मेडिसिन जो पेशेंट ले सकता है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे पेशेंट को ब्लड विजन हो सकती है, मीनिंग उसे धुंधला दिखाई दे सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मीनिंग कब्ज हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, नोजिया हो सकता है, और इंक्रीज हार्ट रेट हो सकती है, मीनिंग उसके दिल की धड़कन है वो बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं ये टैबलेट किन कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए पेशेंट को। अगर प्रेगनेंसी हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो वो एक बार डॉक्टर की एडवाइस से ये टैबलेट का सेवन करें। और माइथेसिया ग्रेविस डिसीज में ये टैबलेट नहीं ले सकते, बिकॉज इसमें जो मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है पेशेंट को, और जिन पेशेंट को यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होती है वो भी इस टैबलेट का सेवन ना करें, और जिनकी फास्ट हार्ट रेट होती है मीनिंग दिल की धड़कन बढ़ जाती है वो भी इस टैबलेट का सेवन ना करें। तो इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देखकर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, बट फिर भी अगर घर में जो आपको एमरजेंसी ड्रग लेनी हो तो आप दिन में 2 बार ये टैबलेट ले सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।